Check, check, check. The next program is going to be the Rajasthani folk singers. These people have come from interiors of Rajasthan. ये लोगों को जानता है छे लांगास अने मांगनियार्स तरीके. Desert village of Rajasthan have a unique style and repertoire, though they live in remote villages. Amidst sand dunes, their music is very popular, not just across India, but around the world. They have participated in several festivals in countries like France, America, Germany, Switzerland, and Australia, to name a few. The rustic charm of their singing and the captivating sway of the instruments will make the evening a memorable one. Aaje je kalakaro apni samaks rajut thai rahya chhe tema chhe Khete Khan Khadtal par, Mehruddin Khan Sarangi par chhe, Firoz Khan chhe Dholak par, Kachra Khan chhe vocal par, Shafi Khan pan vocal par chhe, Gullu Khan pan vocal par chhe, Ghevar Khan chhe Kamai Cha par, Shri Umer Farooq chhe Bapang par, ane Shri Suguna Ram chhe Ravan Hatta par. Thank you, Yogi. आए हैं अपने पड़ोस से प्रेम की धुन लिए, राजस्थान के ये कला प्रेमी है, आए हैं तापी उत्सव में डुबकियां लगाने के लिए. नमस्कार और इजाजत. हम शुरू कर रहे हैं, हमारा एक लोक वाद्य है जिसको हम अलगोजा कहते हैं, पावा जोड़ी कहते हैं, डबल फ्लूट. ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है और अपने कच्छ में, गुजरात में और सिंध पाकिस्तान में ये साज बजाया जाता है. इसको अलगोजा पावा जोड़ी कहते हैं. ये लगातार फूंक से इसको बजाते हैं, एक पे ये बांसुरी की तरह बजाते, एक पे इसको साथ देते हैं. तो इसको बजा रहे हैं मेहरुद्दीन खान लंगा, बहुत अच्छे हमारे अलगोजा वादक हैं, राग भैरवी. इनके साथ ढोलक पे संगत कर रहे हैं फिरोज खान मांगनिया. Thank you.
ये थे हमारे मैरदीन खान लंगा जिन्होंने अलगोजा बजाया। अब आ रहे हैं गुल्लू खान मांगनियार जो हमारे लोकगीत मांगनियारों की जो गायकी गाए जाते हैं वो राग शामेरी में गीत हालरियो। हालरियो हम बच्चे के जन्मदिन पर गाते हैं और ये जो हालरियो गा रहे हैं ये जिस दिन कृष्ण जी पैदा हुए थे उस समय गाया गया था। मथुरा जी में बाजा ढोल गोकुल हर रखा हुआ, ये कृष्ण जी के जन्मदिन पे जब गाया था उससे आज तक हम जो गा रहे हैं हालरियो उस समय कृष्ण जी के जन्म पे एक गाना है हालरियो। इनके साथ कमाचा पे गेवर खान मांगनियार और ढोलक पे फिरोज खान मांगनियार और गुल्लू खान मांगनियार और सिंधी सारंगी पे है मैरदीन खान लंगा। Hey!
ये था हमारा एक लोकगीत आलरियो, और अब हम सब मिलके आपको सुना रहे हैं दमादम मस्त कलंदर। Come on.
ये था हमारा एक सूफी में दमादम मस्त कलंदर। आप एक और वाद्य है हमारे पास जो जिसको हम बापन कहते हैं, ये अलवर ज़िले के मेवात जाति के मुस्लिम जोगी जो बजाते हैं, और आज जो आपके सामने पेश कर रहे हैं उमर फारूक खान, ये उस्ताद जहूर खान साहब के बेटे हैं जिनका भारत में बहुत बड़ा नाम बापन वाद्यों में से। इंडिया गोट टैलेंट खोज टू में आपने सुना होगा, मगर थोड़ी भपंग की जुगलबंदी। हमारे वहाँ पे ओली आ रहे हैं, ओली के जो हम गाने गाते हैं, ओलिया में उड़े रे गुलाल गयो रंग मेले में। Yeah.
कुछ लोकगीत जो हमारे मंगनियारों के गाए हुए हैं, बहुत गाने फेमस हुए हैं, बहुत फिल्मों में भी गाए गए हैं। और हमारे कुछ वाद्य हैं, जैसे आपने पपंग सुना, वैसे हमारा कुछ एक और जो ताल वाद्य हैं जिसको हम खड़ताल कहते हैं। ये चार लकड़ी के टुकड़े हैं, ये काली शीशम के बनते हैं और इसमें हम ताल वाद्य बजाते हैं। तो हम कुछ इसमें आपको जुगलबंदी सुना रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कलाकार आपके बीच में है, खेता का मंगनिहार, मास्टर ऑफ परक्यूशन में जाकिर हुसैन साहब के संग प्ले कर चुके हैं खड़ताल। जोरदार तालियां से कलाकारों को लिए। भाई फिरोज खां, जो अब तक 70 देशों में, फिरोज भाई और घेवर जी
आपको बता दूं राजस्थान के जाने माने कमाईचा वादक उस्ताद सागर खां मांगनेहार जिनको पद्मश्री मिली थी, उनके पुत्र हैं, ये उनके भतीजे हैं। जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे और एक रात चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, हमारे प्यार से जलने लगी है ये दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ ना लगे। तो आपके बीच में हमारे ऐसे ही मौसम फनकार हैं राजस्थान के जाने माने कचरा खाजी। हर रंग दे बीच बसता मैं, हर रंग में बसता हूं एक सूफियाना कलाम आपके बीच में कचरा खा मांगनेहार, हर रंग दे बीच बसता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें
हमारे कचरा खान साहब का। वाद्य हमारा है जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ हम मांगनियार जाति के लोग बजाते हैं, जिसको हम कमायचा कहते हैं, और बहुत पुराना वाद्य है ऐसा। दूसरे हमने काफ़ी दुनिया घूमी, वहाँ कहीं नहीं देखा हमने। ये शुरू में हमारे बुजुर्ग कहते कि अहमदाबाद में बनता था, नथु की दुकान पे, पता नहीं वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी ये कोई हमको पता नहीं। अहमदाबाद में ये पहला वाद्य बनता था, बहुत पुराना। इसको बहुत अच्छे वादक थे ग्यावर खान के पिताजी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2012 में, और उनके बेटे दोनों ग्यावर खान फिरोज खान कमाचा और ढोलक के बहुत अच्छे वादकों में से हैं हमारे अभी मांगनियार जाति के। और ये कमाचा में जब सबसे पहले हमारे जैसलमेर में रेलगाड़ी जो ट्रेन आई थी उसमें इंजन कोयले वाला था, और सारा गाँव देखने के लिए गया भाई लोहे की पटरी पर कैसे चल के गाड़ी आई है। तो उस समय इनके पिताजी भी साथ में थे, अभी ये
40 साल पुरानी बात है, जब जैसलमेर में पहली बार ट्रेन आई थी 68 में, तब उन्होंने वो इंजन की आवाज़ सुनी और अपने दिमाग में बिठाई और उन्होंने कैसे वो इंजन की आवाज़ कमाईचा में बजाई है। रेलगाड़ी और अब कुछ गाने ऐसे हैं जो हमारे फिल्मों में जाने से बहुत फेमस हो गए हैं और उनमें से एक निम्बुड़ा आप सबने सुना होगा। ये निम्बुड़ा गाना फिल्म से नहीं है, वो गाना हमारा है। हम ये क्यों कहते कि हमारा परंपरा का मांगनियार जाति का गाना है। इस गाने को हमने जब ये फिल्म नहीं बनी थी 1985 फेस्टिवल ऑफ इंडिया USA अमेरिका में, जो वर्ल्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट ने हमारी CD निकाली, उसमें ये निम्बुड़ा गाया हुआ है। 1993 में म्यूजिक टुडे का दिल्ली से जो CD निकला, आप कभी खरीद लेना, राजस्थानी फोक म्यूजिक लंगास एंड मांगनियार्स म्यूजिक टुडे का, उसमें CD में हमारा निम्बुड़ा गाया हुआ। ये फिल्म अब आई तो हम वही निम्बुड़ा गा रहे हैं जो हमारा है परंपरा। Nibura, 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 n
था हमारा लोकगीत निम्बूड़ा, जो हमारा खुद का गायवाज बहुत फेमस गाना है। अब हमारे साथ एक और इंस्ट्रूमेंट जो है रावण हथा, इसको बजा रहे हैं सुगुनाराम। ये रावण हथा भी बजाते और गाते भी आपको सुना रहे। बन जा रही मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जासी। कुछ हमने हमारा प्रोग्राम शुरू में लोग उठ रहे थे तो हमने दमादम मास्कल ने पहले शुरू में ले लिया, लेकिन हम अब आपका एक दोबारा राजस्थान में एक हमारा बहुत फेमस गाना है राग मांड में केसरिया बालम आओ नी पदारो मारे देश। ये स्वागत गीत है, वेलकम सॉन्ग है। शुरू में हम मेहमान का स्वागत ये केसरिया बालम गा के करते हैं, उसी से हम राग मांड आपको सुना रहे हैं। ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध राग है। Ah
સાંભળીને એવું લાગે છે કે આપણે રાજસ્થાન પધારવું જ પડશે. આર્ટિસ્ટનો ઇન્ટ્રોડક્શન પાછો આપી દઈએ. ખેતે ખાન ખડતાલ પર તાળીઓ પાડી લો ભાઈઓ, દૂરથી આવ્યા છે. મહેરુદ્દીન ખાન છે સારંગ પર, ફિરોઝ ખાનભાઈ છે ઢોલક પર, કચરા ખાનભાઈ છે વોકલ પર, શફી ખાન પણ વોકલ પર છે, ગુલ્લુ ખાનજી પણ વોકલ પર છે, શ્રી ગેવર ખાન સાહેબ કમાઈ ચાપર, ઉમેર ફારૂક બપંગ પર, સુગનારામજી રાવણ હઠ્ઠા પર. રાજસ્થાનથી કલા લઈને આવ્યા છે તો સુરતમાં પણ કલાના કદરદાનોની કમી નથી, એટલે તાળીઓ જોરદાર પડવી જોઈએ. આપણી વચ્ચે બેઠા છે અનિલભાઈ રેલિયા, જેમને બહુમૂલ્ય પેઇન્ટિંગ્સ આ પ્રદર્શનમાં મૂક્યા છે. તો વિનંતી કે અનિલભાઈ પ્લીઝ તમે આગળ આવીને આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો, જેથી અમારું પણ માન વધી જાય. પ્લીઝ સર. આપણા ગુજરાતની અંદર ગરબો આવે અને તેમાં પણ સુરતની અંદર, તો આપણે બધા જ ગરબામય બની જઈએ છીએ.
ભાઈ આમાં તો એવું થયું કે એક વખત એક ગુજરાતનો એક ચોર હતો, એ ચોરી કરીને ભાગતો હતો અને પોલીસે કહ્યું કે અમે તમને ચારો તરફથી ઘેરી લીધા છે. તો પેલો ગુજરાતી ચોર જ્યાં છુપાયો હતો ત્યાંથી બોલી લીધું, સરસ, તો ચાલો હવે ગરબા શરૂ કરીએ. એટલે ગુજરાતમાં ગરબાનો આવો ક્રેઝ છે. રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, એક નામ જે આપણે માનથી લઈએ છીએ કલા અને સંસ્કૃતિ માટે. સુરત અને સુરતમાં પણ કલા હોય અને રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રનું નામ ના આવે તો કંઈક અધૂરું લાગે. રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર અને નયનાક્ષીબેન વૈદ્ય એ બંને સમાનાર્થીઓ છે સુંદર ગરબા અને સુંદર ગલા ગરબાની કલાકૃતિના. તેઓ લઈને આવી રહ્યા છે અર્વાચીન ગરબો હરેન્દ્ર દવેનો.